ऐसे जो सोना में खाना वाना मिला मिल जाएगा ना। चलो यार ठीक है, थोड़े से अभी आप लोगों के बारे में हम लोग खुद चिंतित हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके वतन आप चले जाएं। हम लोग खुद चाहते हैं, हम लोग जब पुलिस की ट्रेनिंग में जाते थे तो ईमानदारी से तो यही बात है ना, एक एक दिन इंतजार करते थे कि कब छुट्टी मिल जाए, घर चले जाए। वहां कोई असुविधा थोड़ी होती थी, लेकिन वतन की खुशबू, वतन की मिट्टी, उसके बारे में आज जो है कोई बताएंगे जो है आपके मंडल जी कि अपने वतन की मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लगती है, इस बारे में कुछ बताएंगे। तो अभी जरा हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं जो अभी नए मेहमान आपके बीच में आए हैं, वो लोग भी दादा स्वामी सत्संग के जो है पूर्व अनुभव प्राप्त करके वहां से यहाँ आए हैं, तो उनसे बात करने के बाद कि अभी थोड़ा सा 5 मिनट जब तक संगीत कार्यक्रम नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। बाकी आप लोग अस्वस्थ रहें, यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कि आप यहाँ लगातार रुके रहेंगे, और इस लड़ाई को धैर्य से ही जीता जा सकता है, धैर्य बनाए रखें, इसी मिट्टी में सबको रहना है। और ये मान के चलिए कि कोई चीज अस्थाई नहीं रहती है, आपकी जिंदगी में बड़े सुख के क्षण आए रहे होंगे और वो भी अपने आप चले गए, तो कभी भी ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से वो सुख के दिन चले गए उसी प्रकार से दुख के दिन भी चले गए, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। इसलिए जो है आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपको देर सवेर आपको अपने वतन जाना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप यहां लगातार बने रहें। बस इतनी बात हो सकती है कि समय की बात है, लगातार बातचीत चल रही है, अगर आप इसी प्रांत के होते तो अब तक आपको आपके घर छोड़ दिया जाता है।